हेलो भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, सलाम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज का व्लॉग फिर स्टार्ट होने वाला है। आपका स्वागत है आपके भाई के चैनल पे। और आज फिर किसी और के चश्मे से व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं हम। ये चश्मा है सक्षम का, क्योंकि तो मैं तो मांगे तांगे टुकड़े गलियों में डिकारे ऐसे चला के काम चला लेता हूँ, कभी इसका ले तो कभी उसका ले। फिर ये है लाली, मुझे लाल दिख रहा है पूरा, ब्लैक चश्मे में लाल क्यों दिख रहा है? लाली है तो लाल दिखेगा। लाली है तू? ये है लाली, लाली भी तैयार हो चुकी है। लाली ने देख लिया अभी, लाली लाली ने लाल दुपट्टा नहीं लिया, बट ये कसरा भी बाकी है। तो गाइज, अभी सुबह के बज चुके हैं लगभग, टाइम देखता हूँ अभी, लेट हो गया आज फिर मैं, वही 9:15 हो चुके हैं, लेट हो गया हूँ। जल्दी जल्दी नहाया और पहले मैं टेस्ट करा के आऊँ, क्योंकि मैंने ना अपने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराया है, क्योंकि मेरे को ना कैस्ट्रोल और ट्राइग्लिसराइड मेरे बड़े रहते थे, उसकी प्रॉब्लम थी, वो टेस्ट मैं करा के आया हूँ। और अब मैं नहा लिया हूँ, नाश्ता करते हैं, खाने में देखते हैं क्या है और चलते हैं ऑफिस, मिलते हैं आपको, दिखाएंगे आगे की गतिविधियाँ क्या होती है, पूरा दिनचर्या में आज मेरी क्या होगा। तो गाइस, नाश्ते में है छोले की सब्जी और चपाती का आनंद लेते हैं और खाते हैं, पेट भरते हैं अपना टिड्डा। तो गाइस, फाइनली मैं ऑफिस से निकल गया हूँ और जाते हुए मुझे लेना है आटा, क्योंकि जो आटा है हम गेहूँ यहाँ पे डालता हूँ मैं, और आटा लेके जाता हूँ। आटा पता नहीं पिसा होगा कि नहीं पिसा होगा, सुबह मैंने गिरवाया था, पूछ लेते हैं भैया से। तो गाइस, अभी पिस गया आटा, पिस गया ना आटा? ठीक है जी, ठीक है धन्य। हाँ ले आ दो, शुक्रिया। क्या रहे हैं आटा, और यहाँ पे ये फायदा है कि ये गाड़ी में रख देते हैं, अपने आप तो उतार लेते हैं अपने आप, और काफ़ी अच्छी पिसाई करते हैं, मतलब गेहूं को। आटा तो पिस गया, गेहूं के बाद आटा बनता है, गेहूं पिस गई है और आटा बन गया है, मैं आपको बोल रहा था ना कि आटा पिस गया। तो गाइस, ये मिले मुझे हमारे ज्ञानचंद जी गाँव के, ये मुझे जब भी मिलते हैं डिमांड करते हैं खाने पीने में। ये है रसगुल्ला, कितने खा लोगे भाई? पाया तो पारू कितने जी? पाया नहीं, ठीक बताओ पक्का पाया खा लेंगे जी बस। हाँ जी, पाया तो एक छोटा बच्चा खा लेता है ना, वो लिमिट ज्यादा ज्यादा की लिमिट बताओ ना। ना बस कितने खा लोगे? ना बाबूजी झूठ रहे, बस बोल रहा है खाने भी आए हुए। कितने बताओ? पाया खा लेंगे जी। नहीं ठीक बताओ, ठीक बता दी। गुड़ कितना खा लिया था आपने एक बार शर्त में? डैडी ने शर्त लगाई उस टाइम तो जी, दारू दूरू नहीं पिया था, अपना ना चाह पिया था, उस टाइम तो खाई लिया था आधा किलो। 5 किलो खाया था? ला ला, पूछ लियो आप, आपके मुंह पकड़ दूंगा। 5 किलो खाया था? ला ला। फिर आधा किलो पाया में क्या फायदा? पाया खाया जी इसके ऊपर नहीं, मैं आपने कह दू खाना भी आए जाओ, खाया जा ना, फिर उसका फायदा नहीं है ना जी। फोन देख, ये तारा को ऊपर उठाया उन्होंने पहले, फिर मशीन निकाली है, अभी उठाएंगे आगे भी, और ये फंसती हुई जा रही है पेड़ में। 1 मिनट सर होल्ड करना, पेड़ और वायर्स में ना टोटल जगह फंसती हुई जा रही है, बहुत बड़ी मशीन लेके आ रहे हैं। और निकल गई, पूरी पूरी निकली है, पूरी पूरी बच गए, और इनको ये नहीं कि साइड दे दे, हमें निकलने दे। तो गाइस देखिए, मेन हाई टेंशन वायर्स को भी कैसे उठा ले रहे हैं, बहुत रिस्की है, जो कि ऐसे काम करना बहुत गलत है रोड पे, और इतनी हाइट लेके भी आना गलत है वैसे तो, बट ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। तो गाइस, अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैंने अपने सुबह टेस्ट कराए थे और वहाँ से रिपोर्ट उठानी है, कि वो अभी उठाऊँ या बाद में, यही चीज़ मेरे दिमाग में चल रही है। मैं ऐसा करता हूँ, पहले घर जाता हूँ, घर पे मेरे पास दूध रखा है और साथ में ये निकाल करके आटा वगैरह है, उसके बाद प्रत्यक्ष को लूँगा, साथ में प्रत्यक्ष सक्षम को जाके रिपोर्ट उठा लूँगा, रिपोर्ट में देखते हैं क्या आएगा, नॉर्मल आएगा क्या आएगा, क्योंकि पहले मेरे ट्राइग्लिसराइड बढ़े थे ना, और अब देखते हैं क्या आएगा। अभी हमने पापा की रिपोर्ट ले लिया, किस चीज की रिपोर्ट थी पापा? क्योंकि मेरे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए थे। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते थे। अभी कुछ कम बढ़े हैं, बट बढ़े हैं ऑलमोस्ट, पहले से बेहतर है, अभी हम और ट्रीटमेंट खाएंगे, मेडिसिन खाते जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो
गाइस अभी पापा गया जिम और अभी हम रिपोर्ट लेके आ गए हैं। और आज की व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।